नमस्कारम सद्गुरु, मैं पुनर्जन्म के बारे में सच जानना चाहती हूँ। अपनी एक फिल्म में मैंने एक रोल निभाया है जो पिछले जन्म के गुणों के साथ फिर जन्म लेती है, क्या ऐसा संभव है? नमस्कारम काजल। जब आप पुनर्जन्म की बात करती हैं, तो दरअसल आप ये पूछ रही हैं कि मरने के बाद क्या होता है। कुछ चीजें आप अपने अनुभव से ही जान पाएंगी। मुझे यकीन है कि आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप उस दिशा में जाएं। अगर मैं आपसे कहूं कि पुनर्जन्म होता है, तो आपके पास क्या विकल्प है? उस पर विश्वास करना या ना करना, है ना? अगर आप मेरी बात पर विश्वास कर लेती हैं, तो आपके पास बस एक काल्पनिक कहानी होगी। अगर आप अविश्वास करती हैं, तो आपके पास इनकार करने के लिए कुछ होगा। दोनों रूपों में सिर्फ मनोरंजन होगा और कुछ नहीं, है ना? अगर आप वाकई जानना चाहती हैं, तो आपको इच्छुक होना होगा। अगर आप खुद को लगाने के लिए तैयार हैं, तो जानने का एक रास्ता है। मेरे जीवन में ये एक जीवित हकीकत है। मेरे पिछले 3 जन्म एक ही स्थान पर, एक ही काम पर और कुछ हद तक उन्हीं लोगों के साथ रहे हैं। जब तक ये आपके अनुभव में एक हकीकत नहीं बन जाता, आपको इस बकवास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी चीज पर विश्वास मत कीजिए, किसी चीज पर अविश्वास मत कीजिए। लेकिन अगर आप बस खुद पर ध्यान दें, तो आप देख सकती हैं कि आपका जो शरीर है, उसे आपने धीरे धीरे जमा किया है। तो आपका शरीर असल में इस धरती का एक टुकड़ा है। आपका मन उन प्रभावों का एक ढेर है जिन्हें आपने इकट्ठा किया है। तो असल में वो क्या है जो भोजन और सूचना के इस ढेर को मन और शरीर के रूप में जमा करता है? That dimension is beyond birth and rebirth. वो आयाम जन्म और मृत्यु से परे है। आप एक बार फिर दूसरा शरीर और दूसरा मन इकट्ठा कर सकते हैं, मगर मूल रूप से जीवन वही होता है, ये एक ही बात है। तो जब जीवन की बात आती है, तो आपको समझना चाहिए कि मेरा शरीर और तुम्हारा शरीर जैसी कोई चीज होती है, मेरा मन और तुम्हारा मन जैसी कोई चीज होती है, मगर ऐसी कोई चीज नहीं होती कि मेरा जीवन और तुम्हारा जीवन। जीवन बस एक ब्रह्मांडीय घटना है, ये एक जीवंत ब्रह्मांड है। आपने कितना जीवन पकड़ा है, इससे तय होगा कि आप कितना बड़ा जीवन जीते हैं। आपके जीवन की गुंजाइश और फैलाव कितना है, ये इससे तय होता है कि आपने अपने भीतर कितना जीवन पकड़ रखा है। योग का पूरा विज्ञान यही है कि इस जीवन को जबरदस्त तरीके से बेहतर कैसे बनाएं, ताकि इस जीवन की गुंजाइश और फैलाव उतना हो सके जितना संभव है।